हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ वन ब्लॉक, और वो भी मेरे भैया के साथ। और आज की इस वीडियो में हम जाने वाले नेदर, और आपको पता ही होगा कि नेदर कितना खतरनाक है। वहाँ पर जाने में मतलब कि लोगों की फटती है वहाँ जाने है, कि वहाँ पर इतने खतरनाक सबसे डेंजरस मॉब्स उधर ही है, मतलब कि आप वार्डन को छोड़ के। तो आज की इस वीडियो में हमें नेदर पोर्टल बनाना है, और मैं सोच रहा हूँ कि एक कोबलस्टोन फार्म है उसको ठीक करना है। और हाँ गाइस, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कि दो चीज़ों के लिए मेरे पास ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। पहली चीज़ तो सिम सिटी का मोड एपीके बिल्कुल A to Z फुल प्रोसेस के साथ, तो वो आने वाली है। मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी वो सिम सिटी के ऊपर ही डालूंगा मैं। मतलब मैंने बहुत टाइम से वीडियो डाला, पता नहीं कितने अपडेट आ गए, मुझे खुद नहीं पता है। तो गाइस, अभी मैंने कैमरा एंगल चेंज कर लिया। और हाँ, दूसरा जो कमेंट आया था वो इतना भूल गया मैं। तो दूसरा कमेंट आ रहा था नेक्स्ट टाइम SMP के लिए, मतलब उसमें तो कोई प्यार से बोल रहा है, कोई धमकियाँ दे रहा है, तो उसके ऊपर भी मतलब सिम सिटी के बाद की जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट टाइम SMP के ऊपर होगी। और हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने आपसे कहा था कि ऑफलाइन में मैं इसका एक बोर्ड बनाऊंगा, मतलब फूडी। तो अब मैंने फूडी लिख दिया, मतलब मुझे फूड अच्छे लग रहे हैं, आपको अच्छा बनाते हैं, तो मैंने फूडी लिख दिया है। तो आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर ये हमारा फूड फार्म है, तो देख सकते हो यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस, मैंने मतलब आपने देखा ही नहीं है, और यहाँ पर मेरा बोर्ड है ना, आप लोग देख रहे हो कि बोर्ड मैंने पीछे से ज़्यादा डिज़ाइन डेकोरेट करा नहीं है इसको, कि मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। मैंने आगे से करते लेकिन पीछे से नहीं करा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल घटिया लग रहा है, लेकिन आगे से ना, आगे से मैं नहीं करूँ, आगे से तो बहुत प्यार लग रहा है मुझे। ये आप लोगों को बताना है कि कमेंट में कैसा लग रहा है ये। वैसे मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरे भैया भी कह रहे हैं बहुत प्यारा बनाया है, क्योंकि यहाँ बस उनको कह रहे हैं ना फूड। मतलब मैंने कहा फूड तो सब लोग लिखते हैं, फूड ही लिखते हो ना। और यहाँ पर कुछ लोग हैं अंशु बिश्त, तो मैं बता रहा हूँ मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अंशु बिश्त का। तो मतलब वो बोलते रहते हैं ना इसके लम, तो पता नहीं अचानक से निकल गया फूडी। मैंने कहा चलो फूडी लिख दे रहे हैं, क्या काम है, तो फूडी लिख दिया मैंने ऐसे करके। तो अगर आप लोग मेरी ये मतलब वन ब्लॉक सिर्फ पहले से देख रहे हो, तो आपको बताओ यहाँ पर एक बहुत घटिया सा मतलब कोबलस्टोन फार्म था, जो बहुत मतलब बहुत देर लेट का मतलब बहुत स्लो काम करता था। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा मतलब बहुत प्यारा सा फूड मतलब कोबलस्टोन फार्म बना रहा हूँ। और ये कोबलस्टोन फार्म मैंने अपने भैया से देखने आया था। अगर आप लोग मेरे को पहले से जानते हो, तो आपको बताओगा कि मेरे भैया हैं यस राजपूत, तो उन्होंने ही बनाया था मेरे। वैसे हम लोग मस्ती में खेले थे वन ब्लॉक, तो उन्होंने ऐसे बना दिया था। मैंने कहा अच्छा काम कर रहा है ये, तो मैं तभी ये वाला बना रहा हूँ, कि ये वाला ना उससे ज़्यादा तेज़ काम करता है ये वाला कोबलस्टोन फार्म, क्योंकि हम लोग दोनों साइड से तोड़ सकते हैं ना। तो अभी मुझे यहाँ पर पानी भरना है इसमें भी, और अभी एक साइड तो बना नहीं है, मेरे पास स्टोन ख़त्म हो गया है। मतलब स्टोन है लेकिन उसका स्लैब नहीं है, और यहाँ पर मैं बेफालतू में पूरा स्टोन ख़राब करना नहीं चाहूँगा। तो अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मतलब ये यहाँ पर हो चुका है, और मैं थोड़ा तोड़ के भी दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले इसके नीचे ब्लॉक लगा देता हूँ, क्योंकि पानी मतलब अगर कोई भी स्टोन नीचे ले आता ना, वो सर नीचे चलेगा। अरे भाई क्या गलती कर दी मैं, मर गया कि मैं बन नहीं भाई, बच गया भी मैं, मर जाता, क्या गलती कर रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ पर चलो इसको भी भर देते हैं, क्योंकि ब्लॉक नहीं लाऊंगा ना, कोबलस्टोन का भी पानी के अंदर आ जाता है, और फिर वो नीचे चलेंगे तो हमारा कोबलस्टोन बेकार हो जाएगा। तो अभी ब्लॉक लगा दे रहा हूँ, जिसकी वजह से कोबलस्टोन हमारा नीचे गिरेगा नहीं। तो अब इसको पूरा भरना है। और गाइस, इस वीडियो में सोच रहा हूँ कि 10 लाइक का टारगेट करता हूँ, और आप लोग कंप्लीट करा सकते हो लाइक करके, तो कंप्लीट करा देना। 10 लाइक ही तो मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, तो 10 लाइक कर देना प्लीज़। और एक बात और जानिए कि मैंने एक माइनक्राफ्ट में ट्रिक निकाली है, तो जैसे मेरे 1.3 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मैं वो ट्रिक भी मतलब वीडियो बना दूंगा उसकी भी। और मैं चाह रहा हूँ वो स्पीड से ना आप ना मतलब वो ट्रिक से ना आप लोग इतनी तेज़ स्पीड से जा सकते हो, और उसमें आपको कोई मोड भी नहीं है ना, पोशन चाहिए उसके लिए, बस आपको एक ट्रिक है वो लगानी है, उसके साथ स्पीड 2 की स्पीड से भाग सकते हो। पता है स्पीड 2 का जो पोर्शन होता है ना, उसकी स्पीड से भाग सकते हो। हाँ, मुझे पता है कुछ मतलब मिली सेकेंड्स की देरी हो सकती है, क्योंकि मैंने उसके वीडियो पर बनाई थी ना, तो उसमें थोड़ा सा मतलब 1-2 सेकंड लेट हुआ था बस। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोबलस्टोन फार्म कितना मस्त काम कर रहे हैं यहाँ पर दोनों साइड से, और ये पहले वाले से नॉर्मल वाले से तो बहुत तेज़ काम करते हैं। तो अभी मैंने जितना भी कोबलस्टोन मतलब माइन कराया, तो उनको जल्दी से लेता हूँ, और जल्दी से इनके स्लैब बनाता हूँ, क्योंकि स्लैब बना के मुझे इनको पूरा भरना भी है, क्योंकि भरूंगा नहीं तो फिर मतलब अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि अभी मैंने चारों साइड से नहीं कराया, खाली 3 साइड से बना हुआ है, और चारों साइड से बनेगा तब अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जल्दी से स्टोन कटर पे जाता हूँ, इनका स्लैब बना देता हूँ। यहाँ पर मतलब मैंने पिन पता नहीं कितने हाई चल रहे हैं, मतलब नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, तो ये इस साइड से सोचते हैं, मैंने डिस्कॉर्ड पे भी हूँ अभी, तो इस वजह से नेट थोड़ा स्लो चल रहा हो। तो यहाँ पर चलते हैं अब जल्दी से, और मैं अभी मुझे लग रहा है अभी फूड बनाने का, कैरेट ना बहुत कम हेल्थ देता है, जितनी ब्रेड देता है उससे नहीं। और मैंने मतलब ऑफलाइन में जाके ये भी बनाया था, मेरे पास डीप स्लिप वो कि कहते हैं इसे, आप लोग समझ गए, जिससे लावा टपक रहा है, वो मेरे पास पड़ा हुआ था, 10 पड़ा था, तो उससे मैंने बना दिया। और आयरन भी था हमारे पास, और थोड़ा माइन भी करना पड़ गया, तो मैंने उस वो भी ना लिया यार, मैं चीज़ों के नाम भूल गया माइनक्राफ्ट में, तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो अभी मैं इसको पूरा भर देता हूँ, जिसके से मेरा कोबलस्टोन फार्म पूरा बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारा कोबलस्टोन फार्म भी पूरा रेडी हो चुका है, और अभी मैं थोड़ा रह गया यहाँ से, तो उसको भी जल्दी से भर देता हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से इसको भर देता हूँ, मुझे थोड़ा कोबलस्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, कोबलस्टोन मेरे पास पूरा ख़त्म हो गया है,
तो वैसे तो अब मेरे पास फार्म है, मतलब अच्छा सा नॉर्मल वाला तो बहुत स्लो काम कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा सही काम करता है, तो आप जल्दी इसको ले लेता हूँ। और अभी हमारे पास ऑब्सीडियन भी नहीं है, लेकिन मतलब एक तरीका जिससे हम लोग बिना ऑब्सीडियन के बना सकते हैं लावा पानी से, लेकिन उस चीज़ में मुझे डर लग रहा है कि हमारा जो वन ब्लॉक है ना वुड का है, और गलती से भी वुड में अगर आग लग जाती है ना तो पूरा जाएगा। तो मैं ऐसा कर दूंगा ना, जैसे मेरे पास 3 या 4 डायमंड पड़े हुए भैया के चेस्ट में, तो वहाँ से उठा लूँगा, उसके पैकेज बना के ऑब्सीडियन निकाल लूँगा, मतलब लावा लावा के ऊपर पानी डाल के ऑक्सीजन बना के तोड़ लूँगा। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक कॉबलस्टोन फार्म कितना मस्त काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉबलस्टोन माइन कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे पूरा सारा मतलब सारा का सारा काम हो चुका है, और यहाँ पे मैंने ऊपर से वो भी लगा दिए स्टेयर्स, और अभी मुझे ऊपर से पूरा भरना भी है, मतलब पूरा मतलब पूरी जगह भरनी है ऊपर के लिए। और मैं अभी खाली मतलब पोर्टल बनाऊंगा, डेकोरेट मैं अगली वीडियो में करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी एक तो भैया 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 भी नहीं आए, क्योंकि भैया को काम है ना, तो वो कह रहे मैं बाद में आऊँगा थोड़ी देर बाद में, तो वो आए नहीं, मुझे अकेले रिकॉर्ड करनी पड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ बाद में आऊँगा, यहाँ पर हमारा 2 लावा भी हो चुका है। तो अभी क्या करता हूँ ना, मैं दिल्ली से पिकेक्स लेके मतलब डायमंड लेके आता हूँ, उससे पिकेक्स बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर दिल्ली से आता हूँ पिकेक्स मतलब डायमंड लेने, लेकिन उससे पहले थोड़ा खाना लेता हूँ, कि फूड भी नहीं है देख रहे हो, कैरेट कैरेट से बहुत कम हेल्थ जाती है, मतलब हेल्थ मिलती है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा वीट निकालता हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ आप कैसा संग्रह है, मतलब मेरा सबसे अच्छी चीज़ लगती है, मतलब सबसे ब्यूटीफुल चीज़ लगती है मेरे को अवन ब्लॉक में। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसा करता हूँ ना, जल्दी से सारा का सारा वेट तोड़ लेता हूँ, क्योंकि ये पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन तब थोड़ा सा कट कर देता हूँ यहाँ पर, पता नहीं देखते हैं। तो वैसे यहाँ पर मैंने सारी की सारी वेट तोड़ ली, और यहाँ पर चेस्ट पर पहले से रख रखी थी जो मैंने पहले तोड़ी थी, तो मैंने उसका पेड बनाया नहीं था, तो अभी मैंने सीढ़ी भी रख ली और वेट भी रख लिया। और यार यहाँ पर ठैप डो बंद कर रहा है चेस्ट दोबारा खुल गई, तो छोड़ो अब यहाँ पर जैसे ब्रेड बना लेते हैं जल्दी से, तो ब्रेड बनाएंगे फिर हमें मिल जाएगी ब्रेड, उससे हमारी हेल्थ मतलब ब्रेड्स भी चीज़ें हैं कि गोल्डन कैरेट वो भी अच्छी बढ़ाती है, लेकिन उसके लिए गोल्ड भी तो होना चाहिए, और हमारे पास अभी गोल्ड है ही नहीं। तो यहाँ पर जल्दी से मैं इनका वो बना देता हूँ, कहते हैं ब्रेड, इनकी ब्रेड बनाते हैं और फिर मज़ा आएंगे इनके ब्रेड बनाने। तो यहाँ पर ब्रेड क्राफ्ट हो चुकी है ब्रेड क्राफ्ट। तो यहाँ पर अभी इनको रख लेता हूँ सही से, मेरे पता नहीं पिन इतना हल्के चल रहे हैं, नेट थोड़ा हल्का चल रहा है। तो अभी यहाँ पर हाँ मतलब मैं पिकेक्स देख रहा था, यहाँ पर डायमंड आना पड़ेगा, तो अभी जल्दी से आता हूँ डायमंड लेके आता हूँ, उसकी पिकेक्स बनाता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी पिकेक्स है ही नहीं। तो अब जल्दी से आता हूँ डायमंड, देखते कितने डायमंड हैं। तो कैसे मुझे यहाँ पर भैया के चेस्ट से 4 डायमंड मिल चुके, और ये उनको पता ही नहीं भैया को, तो अभी इस तरह से वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी चेस्ट में से डायमंड गायब है। तो अभी मैं यहाँ पर जल्दी से इनके स्टिक निकाल के इनसे पिकेक्स बना लेता हूँ, और उससे मुझे ऑब्सीडियन माइन करना पड़ेगा, और मैं नहीं कितना टाइम लगेगा इसको पूरे होने में, क्योंकि मुझे कम से कम 10 ऑब्सीडियन चाहिए, और ये बहुत स्लो काम करता है जो अनलिमिटेड लावा वाला है, ये बहुत स्लो काम करता है। तो यहाँ पर एक डायमंड रख लेता हूँ, यहाँ पर लावा के बकेट उठा लेता हूँ, मतलब कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा, क्योंकि पानी और लावा मतलब ऐसा है ना कि मुझे मतलब ऐसी चीज़ लूँगा जहाँ पर एक बकेट डालते तुरंत ऑब्सीडियन बन जाए। तो यहाँ पर इधर लगाता हूँ, अब मुझे चाहिए पानी, तो बस अच्छे से लग जाए, क्योंकि पानी अगर ख़राब हो गया ना तो मतलब अनलिमिटेड वाटर है तो मेरे पास, लेकिन तब भी मुझे लाना पड़ेगा वहाँ पीछे से और टाइम लगेगा फिर। अरे यार मैं वही सोच रहा ख़राब ना हो जाओ, ख़राब हो ही गया, तो छोड़ो अभी मैं ऐसे करता हूँ, ज़्यादा पानी लेता हूँ और अब इसको अच्छे से लगाता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल इसके पीछे वाले ब्लॉक में लगाना है स्लैब में, क्योंकि वहाँ पर लग जाए तो अच्छे से काम कर जाएगा। यहाँ पर लगा दूँ और यहाँ पर लग जा भाई, यहाँ पर सही लग जाए, ओह हो गया, ऑब्सीडियन बन चुका है। अब यहाँ पर नीचे से मैं थोड़ा प्लेटफॉर्म वाला बना दूंगा, जिससे कि मैं नीचे खड़ा हो पाऊँ, और वो बनाता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर इसका स्लैब मतलब ऑब्सीडियन तोड़ता हूँ, कि अब हो गया यहाँ पर पानी निकाल के पहले तो कॉबलस्टोन फार्म सही कर देता हूँ, कि उसमें भी मैंने चार दोनों साइड से पानी निकालती है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं यहाँ पर पानी डालता हूँ दूसरे वाले में, अरे यार भाई बच गया, नहीं तो अभी थोड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि तो अगर वाला पानी इससे कनेक्ट हो जाता है ना तो मेरे को ब्लॉक से सही करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर और पानी लेके आता हूँ, उसको भी ठीक करता हूँ। तो यहाँ पर से मैंने अनलिमिटेड फार्म मतलब वाटर का सोर्स बना रखा था अनलिमिटेड। तो गाइस यहाँ पर मैंने खड़े होने लायक एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया, और यहाँ से अब हमें बस यही ऑब्सीडियन तोड़ना है। यहाँ पर अब जैसे ही हम लोग लावा डालेंगे वैसे ही यहाँ पर ऑब्सीडियन तुरंत मतलब बिल्कुल तुरंत बन जाएगा। यहाँ पर ये टूट गया, अरे भाई मुझे लगा ये टूट गया तो मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल मतलब क्या है यार, अब पूरा तोड़ के रहूँगा इसको, मैंने जैसे टूटने वाला था वैसे मैंने छोड़ दिया। अब चलो यहाँ पर अब टूट गया, अब यहाँ पर दूसरे लावा बकेट डालना है, और ये बनेगा तुरंत ऑब्सीडियन, और इसको जल्दी से तोड़ना है अब। और अभी मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब बिल्कुल भी बकेट नहीं है, देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर तोड़ दिया मैंने येलो ऑब्सीडियन भी, और चलते हैं अभी, मैं सोच रहा हूँ जब तक लावा नहीं है ना सब, मैं सोच रहा हूँ कि वन ब्लॉक ही माइन कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा वन ब्लॉक माइन करता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पर मेरी 2 स्टोन की पिकेक्स टूट चुकी है, और 2 स्टोन की पिकेक्स हमें इतना सामान मिल चुका है, मतलब कॉपर स्टोन तो नहीं मिला, कॉपर स्टोन मेरा वहीं पढ़ाने वाला है, तो इतना सामान मिल चुका। और ये चेस्ट पता नहीं क्यों खुली हुई है, इसमें इतनी क्या जादू वादू हो रखा है, तो छोड़ो अब देखते हैं यहाँ पर लावा आया नहीं आया, और अगर नहीं आया ना, हाँ मैं सोचा था नहीं आया, तो ऐसा करता हूँ ना, आप मोबाइल को रख देता हूँ थोड़ा ऐप के, और देखते कितना टाइम लगता है।
तो अभी मैं पूरा ऑब्सीडन तैयार करके मिलता हूँ आपसे, कि पता नहीं कितना टाइम लग जाए इसको होने में। तो गाइज अब फाइनली यहाँ पर मेरा 10 के 10 ऑब्सीडन मिल चुका है, और यहाँ पर मेरे पास मेरा बहुत टाइम हो गया। मैं तो यहाँ पर मतलब मैं मिनिमाइज़ करके यहाँ पर मैन का वो छोड़ ही दिया था मैंने, तो यहाँ पर 10 मिनट 10 ऑब्सीडन हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत टाइम लग चुका है। तो अभी ऐसा करता हूँ ना, ये ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है ना इसको पूरा भरता हूँ, और फिर इसको भरने के बाद इसके ऊपर मैं पोर्टल तो रिलीज करता हूँ आपसे। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा पूरा ये भर दिया है, और यहाँ पर जितना वुड था मेरे पास मैंने उतना कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे पोर्टल बनाता हूँ, और मैं अभी इसको डेकोरेट नहीं करूँगा, डेकोरेट मैं इसके अगली वीडियो में करूँगा, कि मेरे पास अभी एक तो टाइम भी नहीं, टाइम बहुत हो गया इस वीडियो में, मतलब बहुत लंबी रिकॉर्ड हो चुकी है, मतलब सैसे ना मेरी सबसे ज़्यादा लंबी वीडियो होगी माइनक्राफ्ट की। तो अभी मैं इसको सेट करता हूँ कि मुझे अच्छे से डेकोरेट भी करना है ना आगे, ताकि इसको मतलब अच्छा लगूंगा अपने वन ब्लॉक को ना, मतलब खूबसूरत वर्ल्ड बनाऊंगा वन ब्लॉक का। तो अभी यहाँ पर वन मतलब ऑब्सीडन लगाते हैं, और यहाँ पर मैं सही तो बना रहा हूँ ना, तो पर 1 2 3, और यहाँ पर आएगा अभी कोबलस्टोन, यहाँ पर 2 ब्लॉक अभी मुझे यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लग जा भाई, यहाँ पर 1 और ये 2। अभी यहाँ पर मुझे नहीं, नीचे से लगा दूंगा ना ऑब्सीडन, यहाँ पर 3 और 1 कोबलस्टोन। वैसे कोबलस्टोन लगाने की जरूरत है नहीं, लगा दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर मुझे चाहिए फ्लिंट एंड स्टील, तो अभी आयरन और फ्लिंट एक देता हूँ, और ऐसे ही मेरे भैया की चेस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या सामान रखते हैं। सबसे मतलब सबसे अमीरी चेस्ट है ना वो उन्हीं की चेस्ट है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि फ्लिंट तो नहीं होगा, तो यहाँ पर इनकी दूसरी वाली चेस्ट में नहीं रखा है, नहीं रखा है, मतलब इसमें चलो इसमें आयरन तो मिल गया। आप और भी भाई गाइस आपको पता है, मतलब यहाँ पर ना ऐसा हुआ था ना कि मैं वहाँ पर माइन कर रहा था, कहते हैं उसे कहते हैं एक्सपी माइन कर रहा, एक्सपी ले रहा था कॉम एक्सपी फार्म से। तो वहाँ पर हुआ क्या, एक स्केलेटन आया, उसने एक बो गिराई, और सबसे इतना लकी प्लेयर हूँ ना मैं, कि मेरे को उसमें क्या क्या मिला है, अनब्रेकिंग 2, पंच 2, मेंडिंग, मतलब यकीन नहीं होगा, ये 3 इंचांटिंग मुझे एक बो मिली, और मैं मतलब इतना मतलब कि मुझे लग नहीं रहा है किसको मिली होगी मेंडिंग। मेंडिंग मुझे मेंडिंग मिलती ही नहीं है, ये है कि मेंडिंग मिलती नहीं, जहाँ तक मुझे पता है मेंडिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, मेंडिंग मतलब मिलती नहीं, मुश्किल से कह रहा हूँ मिलती नहीं है वो, हाँ खरीदनी पड़ती नहीं, पता नहीं कैसे मिल गई। तो अभी ऐसे करता हूँ, हमारे नेदर पोर्टल भी हो चुका है रेडी, और अभी मैं भैया को बुलाता हूँ जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे मैंने भैया से तो कह दिया कि आने के लिए, कि हमारा पोर्टल तैयार हो चुका है, तो अब आप आ जाओ। वो पता नहीं कितना टाइम लगा रहे हैं, मतलब क्या कुछ काम कर रहे हैं इस वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अभी नेदर जा रहा हूँ, तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अभी आयरन का आर्मर भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी बो एंड एरो रख लेते हैं, क्योंकि घास वास्ट आ गई ना, इनको मारने के लिए बो की ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे मेरा एम थोड़ा सही है, मतलब इतना ही बेकार। चलो भैया भी आ गए, अब इनको इनकी तो हेल्प बोले पहले तो फ़ोन करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा डाउन है HP इनकी, तो ऐसे ये सारी की सारी वो लग जाएंगी इनको चार्ज होने में, हाँ मुझे पता था सारी की सारी लग जाएंगी। और एरो भी यहाँ पर ठीक ठाक है, तो बहुत सही है। तो अभी यहाँ पास आर्मर तो है नहीं अच्छा सा, तो अभी चलते हैं यहाँ पर, भैया देखते हैं कहाँ अच्छा ये रहे। तो अभी इनसे मिलता हूँ और कहता हूँ कि चलो अब सीधे, बहुत टाइम हो गया, यहाँ पर जल्दी चलते हैं नेदर में। तो गाइस अभी ये एक ऐसी चीज़ हो गई जो मुझे पता नहीं था, कि हमारे पीछे पड़ गया एक एंडरमैन, और एंडरमैन ने हम दोनों को इतना कूट टूटे मारा ना, तो अभी हमारी एंडरमैन की आँख हमने चुरा ली है, उसको मार गए, मैं आप लोग देख सकते हैं नीचे, मतलब इतना गंदा मारा है हम दोनों को, पूरा हेल्थी ले गया हम सबको और मार भी दिया। तो अभी हम नेदर में आ चुके हैं, और यहाँ पर देखते हैं कैसा स्पॉन है, प्लीज अच्छा ये, वाह कितना अच्छा स्पॉन दिया हमें, मज़ा आ गया मेरे को तो, मतलब यार कुछ है भी नहीं बैम में, कुछ मिलता भी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, और चलो देखते कुछ आगे पीछे देखते हैं, मतलब कुछ मिल गया अच्छे सा। तो यहाँ पर कुछ तो मिल गया यार, मतलब फोर्ट्रेस वर्सेस बेशन, ये सब लो जो नहीं मिलना चाहता वो मिल गया। अब यहाँ पर मैं इसको भाई मार तो तगड़ी रही है, यहाँ पर मैं ऐसे मर ना जाऊँ यहाँ पर, अरे भाई इतना 2 हेल्थ भाई, मैं निकलने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी गए यहाँ पर, इसको मार के जाऊँगा अब तो, लग रहा है शायद 2 हेल्थ ही हो मेरे पास, लेकिन भाई मर जा भाई, क्या क्या खा के आई है ये, यहाँ पर एक वो तो लग, चलो लग गई, अरे इसका मैंने वो भी फेंक दिया। अब यहाँ पर देखते हैं इसको भाई, मतलब इतना खतरनाक एम है मेरा, चलो छोड़ो अब मैं यहाँ से पता निकल रहा हूँ, कि यहाँ पर बहुत मतलब समझ रहे हो ना, मैंने कहा था कि बहुत डेंजरस जगह है ये, मैं तो भाग रहा हूँ भाई, निकलो यहाँ से, बहुत ख़तरनाक जगह है नेदर। तो अभी मैं यहाँ पर निकल चुका हूँ, भाई अभी जाने कितनी देर में आएंगे, मैं तो भाग गया भाई यहाँ से, और यार भाई लोल मेरा गेम इतना हैंग हो रहा है ना, लैग हो रहा है। तो ऐसा हमने नेदर पोर्टल बना दिया, और उसका गंदा सा स्पॉन भी देख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी, वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हैं तो कर देना सब्सक्राइब, और जाते आते मैं इनको मार के रहूँगा, क्योंकि एक तो ये आते नहीं मेरी वीडियो में, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे आजकल, तब बिजी रह रहे, और एक तो इनके वैसे मैं मर भी गया, एंडा मैंने इनको बहुत गंदा, एंडा मैंने मुझे बहुत गंदा मारा है भाई, भाई मैं मर जाऊँगा भाई, मर ही गया, मतलब कितना बड़ा प्रो प्लेयर हूँ। तो छोड़ो, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी, वीडियो देना लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, बाय बाय। और जाते आते मेरे भैया के चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो बाय बाय।